में न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। भोजपुरी सुपरस्टार सिंगर खेसारी लाल यादव आए दिन कुछ ऐसा कह जाते हैं, कुछ ऐसा बयान दे जाते हैं जिसके बाद वो सुर्खियों का मुद्दा बन जाते हैं। खेसारी लाल यादव की आए दिन ऐसी उनके ऐसे गाने आते हैं, ऐसे वीडियोस और एल्बम्स आते हैं जिसके बाद लोग उन्हें निशाने पर लेने लगते हैं और अपने अजीबोगरीब जो है गानों से खेसारी लाल चर्चित रहते हैं। अब आपको बताएं कि खेसारी लाल यादव अब अपनी बेटी को लेकर बड़े चिंतित नज़र आ रहे हैं। अपनी बेटी को लेकर उन्होंने राजपूत समाज पर हमला बोला है। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि मेरी बेटी को राजपूत जो समाज है वो निशाने पर ले रही है और मेरी बेटी के फ़ोटो पर निशाना साध रही है। अब कहाँ है राजपूत समाज जिसे बेटियों की चिंता पड़ी रहती है। भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव ने कहा है कि उनकी बेटी का फ़ोटो और नाम लेकर राजपूत समाज के लोग उन्हें निशाना बना रहे हैं। खेसारी ने एक वीडियो जारी कर अपने गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को फिर से टारगेट किया जा रहा है, अब राजपूत समाज क्यों चुप है? मैं उस राजपूत समाज से ही पूछना चाहता हूं कि आप लोग गलत को हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि मैं जातिवाद करता हूं, जब मेरे परिवार की पर कुछ चीज़ें आती हैं तो क्यों सब चुप हो जाते हैं? ये आपकी जाति के लोग क्यों नहीं समझते हैं? अब मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का नाम और फोटो लगाकर उसे निशाना बनाया गया है। मैं राजपूत समाज से पूछना चाहता हूं कि जो लोग हथियार लेकर मुझे ढूंढ रहे थे वो लोग अब कहाँ हैं? क्यों किसी के पिता को मजबूर कर रहे हैं कि गलत करना पड़े? हमारे परिवार ने आपका क्या बिगाड़ा है? हम गाना गा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमें चारों तरफ से घेरा जा रहा है। राजपूत समाज की ओर से हमें घेरा जा रहा है, वे हमें बर्बाद करना चाहते हैं। दरअसल कुछ समय पहले खेसारी लाल यादव के लाइव शो के दौरान उनके करीबी दोस्त ने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया था। कहा जा रहा है कि तब से ही राजपूत समाज गुस्से में है। हाल ही में उनकी बेटी कृति की फ़ोटो वायरल हुई है। बता दें कि यह रियल तस्वीर नहीं है, पहले खेसारी की बेटी की तस्वीर को एडिट किया गया और फिर अश्लील गानों के साथ वीडियो बनाकर उसे वायरल किया गया है। इससे खेसारी लाल ने अपने गुस्से का इजहार किया, उन्होंने इस पर अपना दर्द बयां किया है। हालांकि इसके पहले भी खेसारी के गानों के अश्लील और विवादित बोल को लेकर वे कई बार निशाने पर आ चुके हैं। खेसारी लाल यादव ने कहा अगर आप लोगों को लगता है कि मैं भोजपुरी भाषा के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा तो बता दीजिए, मैं इस इंडस्ट्री को छोड़कर ही चला जाऊंगा। मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं कहीं और जाकर काम कर सकता हूं। तो देखिए, अपनी अश्लील गानों के और अविवादित गानों के ऊपर जो है खेसारी लाल यादव अक्सर सुर्खियों का मुद्दा बन जाते हैं और उनके ऊपर लोग निशाने साधते नज़र आते हैं। खेसारी लाल यादव अपने अश्लील गानों से दूसरों की बेटी और लड़कियों पर तो प्रहार करते ही हैं, लेकिन अब जब खेसारी लाल यादव की बेटी पर ऐसा कुछ हो रहा है तो उन्होंने कहा है कि कहाँ है राजपूत समाज जो जिन्हें बेटियों की इज्जत की पड़ी रहती है? मेरे वक्त ये राजपूत समाज कहाँ गया? तो इनडायरेक्टली उन्होंने समाज पर, राजपूत समाज पर भी निशाना साधते हुए एक वीडियो जारी किया है। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।